नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। एकचारी चौक पे हूं और एकचारी चौक का जो नज़ारा है, अभी बारिश भी शुरू नहीं हुई है और सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं ये एकचारी चौक का नज़ारा है और ये जो सड़क है वो NTPC की ओर जाती है और ये दूसरी सड़क जो है महागामा की ओर जाती है। अभी जो है बरसात शुरू भी नहीं हुई और रोड जो है तालाब में तब्दील हो गए हैं। पूरे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा गड्ढा सड़क पर और खासकर चारों ओर एकचारी चौक के सभी तरफ अगर देखें तो कीचड़ गड्ढे के वजह से जो है सड़क सही नहीं होने की वजह से सभी जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और उसमें जो है पानी भर गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर सड़क पर बरसात अगर ना हो तो सड़क पर जो है पक्की नहीं होने की वजह से धूल उड़ती है और आसपास के घरों पर धूल जमा हो जाता है, जिससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एकचारी चौक पर जो है व्यवसायी वर्ग के कुछ लोग हैं। ये लोग यहाँ पर जो है चौक चौराहे पर अपना दुकान लगाए हुए हैं और इन सड़क की वजह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय विधायक सदानंद सिंह हैं और जो सांसद अजय मंडल हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होने हैं और ऐसे में खासकर इस तरह से चौक पर सड़क का तालाब में तब्दील होना और क्या है इस बार का मुद्दा एकचारी के लोगों का, कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, आपका जो आपकी जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो गया। जी जी, यहाँ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर। और यहाँ जमीन जो है इस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जमीन इस क्षेत्र का NTPC में अधिग्रहण किया गया है और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और कभी भी किसी प्रकार का यहाँ घटना होने का संभावना है। कई बार इस रोड में घटना भी हो चुका है। यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार युवा सब पढ़े लिखे कोरोना के चलते यहाँ घर में पढ़े लिखे भटक रहे हैं और NTPC इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की रहा है। आदमी ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और सरकार को मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि इस बेरोजगारी के अवस्था को देखे और रोजगार मुहैया करे, नहीं तो इसको चुनाव का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपके सांसद साहब जो हैं अजय मंडल जी, जी उनके सांसद साहब यहाँ के जो हैं आज तक यहाँ के क्षेत्र के ग्रामवासियों से यहाँ कभी आज तक नहीं आ रहे हैं ना कोई पहल कर रहे हैं। तो इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव होने हैं, ऐसे में तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार का मुद्दा रहेगा बेरोजगारी हटाओ जो है, यही मुद्दा रहेगा बेरोजगारी रहे। सर, सड़क जो है देखी जाए सड़क जो है तालाब में तब्दील हो गया है। जी ये तो बहुत दिन से है लेकिन इस पर कोई नज़ारा किसी का नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं जी, जो जनप्रतिनिधि को भी सब वो तो इस रोड से गुजरते ही हैं लेकिन उनका कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं है। ये हाईवा चल के कोई ध्यान नहीं है। कोई भी विधायक है, सांसद है, किसी का जो है ध्यान नहीं है, आता है और देख करके चला जाता है जो है। हमेशा कीचड़ वगैरह लगा जाता है, यहाँ से धूल उड़ता है। पेट्रोल पंप से लेकर के वहाँ त्रिवान घाट तक पूरा धूल मय रहता है। सबके घर में छाए धूल सब पड़ता है। यहाँ कोई किसी का नहीं सुन रहा है, सब गड्ढा पड़ा हुआ है। एक्सीडेंट भी होता है, लोग गिरता भी है, पिछड़ता भी है, किसी का ध्यान यहाँ। सांसद महोदय अजय मंडल जी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कर रहे। आए देखे, देख के चले गए, बेकार कुछ नहीं कर रहे। और आगे में गड्ढा करवा करके चल गया और आगे में दुकान के आगे में गड्ढा करवा दिए, उसमें पानी जो है जमा हो गया, उससे जो है बच्चे जो है गिर गया, जो है उससे जो है खतरा जो है हो रहा है। दिन प्रतिदिन पानी का निकास नहीं है, हम लोग जो है एकदम पूरा छाए से जो है प्रदूषित रहते हैं। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होना है नवंबर में, हालांकि घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस बार क्या लगता है आपको, किनको सपोर्ट कीजिएगा? जो जैसा काम करेंगे उनको मुहर मिलेगी। सपोर्ट किया जाएगा, जो काम करेगा उसी को सपोर्ट किया जाएगा। तो खासकर देखा जाए तो सड़क नहीं होने की वजह से आसपास के जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं ये सब आक्रोशित हैं। इनका जो है इनका कहना है कि हमें जो है काम चाहिए और इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में इन लोगों का मुद्दा है बेरोजगारी है और खासकर यहाँ पर एकचारी चौक पर जो जमीन समस्या देखी जाए तो सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। सड़क जो है तालाब में तब्दील हो गए हैं, बारिश अभी शुरू नहीं हुई है और इस तरह से रोड का तालाब में तब्दील होना तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन पर तो खैर सवालिया निशान है ही, साथ ही क्षेत्र का जो है जनप्रतिनिधि सांसद अजय मंडल, उनका दौरा कई बार हुआ है, इस सड़क से वो गुजरे हैं लेकिन उनको जो है ये गड्ढे नज़र नहीं आए हैं। सब लोग आक्रोशित हैं, अपने सांसद महोदय से नाराज़ हैं, अजय मंडल से नाराज़ हैं और इस बार इन लोगों का मुद्दा रहेगा बेरोजगारी। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद हैं।
अगर हमारा ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।